भाजी राम नाल पूरा रास्ता कवर करके आए हैं और अभी हमने जाना है ऐसे रास्ते पे आ गए भाई। एक तो ऑक्सीजन की कमी, ऊपर से इतनी तगड़ी चढ़ाई, इतने ऊंचे पहाड़ पे यार, क्या स्ट्रक्चर है यार। देखो ध्यान से, यहाँ से व्यू देखो यार। गाइस पानी इतना ठंडा है ना, पूरा बर्फ वाला पानी है। नहीं भाई अभी कभी नहीं आना। नहीं आना। मैं भी नहीं कभी भी आना। हाय एवरीवन, दिस इज प्रिंस वर्मा रिपोर्टिंग फ्रॉम पूर्णे। कल रात को हमने पूर्णे में स्टे किया था। अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी कैंप साइट है, काफ़ी मज़ेदार थी और खाना वगैरह भी काफ़ी अच्छा था, रेट भी नॉमिनल थे। अंकी भाई ने हमें यहाँ पे डिस्काउंट करा दिया था कि भाई कहाँ जा रहे हैं आप? फुतकल मोनेस्ट्री। फुकतल मोनेस्ट्री जा रहे हैं। तो भाई साहब आज का प्लान हमारा ये है कि आज हम जा रहे हैं फुकतल मोनेस्ट्री। 15 सेंचुरी की मोनेस्ट्री है, बहुत ही खूबसूरत है। और उसके बाद हम जा रहे हैं एक ऐसे रोड से पादुम जो रोड गूगल मैप पे भी नहीं है। आप सर्च करेंगे तो बाया कारगिल या तो बाया मनाली ले से आएगा। तो सबसे पहले निकलते हैं फुकतल मोनेस्ट्री, तो आपको सीधा बाइक पे मिलते हैं। तो मोनेस्ट्री के लिए जो रोड है वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर का है। तो हम सारे बिना हेलमेट के जा रहे हैं, ये देखो बिना गियर बिना हेलमेट के जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना सामान रखने की कोई जगह नहीं है एक्चुअली, तो रिस्क नहीं ले सकते। तो हमने थोड़ा पैदल ट्रैक भी करना है, कम से कम 2 घंटे का ट्रैक है वन साइड का। तो मैं चलाने वाला हूँ अविनाश भाई की KTM एडवेंचर 390, बाकी अपने अपनी बाइक पे हैं, विद पीरियल जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। हम पहुंच गए हैं बेस, जो फुकतल मोनेस्ट्री का बेस है। यहाँ से ट्रैक शुरू होता है, पार्किंग हमने यहाँ पे बाइक्स अपनी वहाँ पार्क कर दी हैं। और यहाँ पे दो और लोग हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, ये है दिल्ली से, ये अपने हैं भाई साहब। हेलो भाई, क्या है सर? मयंक। अच्छा मयंक, और भाई जी आप शिवम। तो ये भाई लोग भी हमारे साथ ये पूरा ट्रैक करेंगे, हमारे साथ पादुम जाएंगे, कल हमारे साथ पादुम भी एक्सप्लोर करेंगे, और उसके अगले दिन ये अविनाश भाई के साथ जो महाराष्ट्र से आए हैं उनके साथ ये लिंक शेज होते हुए लद्दाख को लेवल साइड निकल जाएंगे। तो चलिए अभी ट्रैक शुरू करते हैं। ट्रैक है लगभग 5 किलोमीटर का, 4 से 5 किलोमीटर का, और 1.5 से 2 घंटे इसको लगने वाले हैं। तो ये सामने का लैंडस्केप आप देख पा रहे हैं, जो पतला सा रास्ता आपको दिख रहा होगा ये है रास्ता। तो चलो धीरे धीरे चलते हैं, स्लो एंड स्टडी। यहाँ पे ट्रैक करने का एक सिग्नल रूल है, स्लो एंड स्टडी। भाई हमारा यंगेस्ट राइडर बोल रहा है कि इस रास्ते में बाइक क्यों मना की हुई है, मैं तो ले जाता हूँ आराम से। हम ये सारा ट्रैक हम पैदल नहीं करेंगे, हम बाइक पे करेंगे। बाइक पे चलते हैं, जाओ फिर बाइक लेके आओ, हम आपको बैकअप, हम आपको बैकअप देंगे। नहीं नहीं, हमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो भाई लोग ये वाला जो छोटा सा स्ट्रेच है ना, ये थोड़ा सा रिस्की है, इसमें ध्यान से चलने का। भाई राम लाल, ट्रैक तो बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक रास्ता है ये, आप देख पा रहे हैं। ये देखो अपने बंदे कैसे आ रहे हैं, देखो ये हम पूरा रास्ता कवर करके आए हैं और अभी हमने जाना है ऐसे रास्ते पे आ गए। तो चलो चलते हैं भाई, चलते हैं चलते हैं भाई। एक तो ऑक्सीजन की कमी, ऊपर से इतनी तगड़ी चढ़ाई, इतना खतरनाक ट्रैक, पानी भी बहुत कम है पीने को। धीरे धीरे चलते हैं। भाई ट्रैक करते करते हालत खस्ता हो गई है और यहाँ पे पानी का कोई तो पता नहीं है। हमें ना लकीली एक पानी का पाइप मिला, यहाँ पे नेचुरल वाटर आ रहा है, रॉक वाटर जिसको आप बोल सकते हैं। तो अपने पास एक बोतल है, वो खाली हो गई थी, अब यहाँ से इसको रिफिल कर रहे हैं। पानी एकदम ठंडा है भाई, दांत ठंडे हो गए पूरे। और ये हमारे सहज जी हेलमेट डाल के राइड कर रहे हैं। ऑफ रोडिंग फीलिंग, ये ऑफ रोडिंग की फीलिंग है। ये बोल रहे थे मैं बाइक चलाऊंगा यहाँ पे, ठीक है बाइक तो है नहीं, बाइक तो है नहीं पर बाइक का हेलमेट है, हेलमेट है तो उसके साथ ये पूरा वो कर रहे हैं। नहीं गाने ना मोटिवेशन मिलता तो रहता बंदा, बिल्कुल हाँ गाने से थोड़ा मोटिवेशन तो जरूर मिलता है। पता नहीं लगता सा चढ़ता, धूप भाई साहब बहुत तेज है यार, इतनी तेज धूप है। देखो हमने किसी ने भी ना सनस्क्रीन नहीं लगाया, खड़ जाएगी पूरी स्किन हमारी। हाँ भाई क्या हो रहा है? सांस चढ़ गया भाई। हैं जी सांस चढ़ गया, सांस फूल रहा है आपका, सांस फूल रहा है भाई।
सांस तो फूलेगा ही भाई। रास्ता देखो क्या है, ये देखो नीचे देखो। ओ भाई खतरनाक, बहुत खतरनाक है। हमारे अंकी भाई ना कुछ कहना चाहते हैं। यार यहाँ पे ना पत्थर मिला मेरे को बड़ा सा, वो देखिए आप ज़ूम करके दिखाइए, ये वाला पत्थर, वो पत्थर ऊपर से गिरा पक्का नीचे है ना? वहाँ वहाँ कहीं से गिरा। वो कहता है कि मैंने पानी में नहीं गिरना, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसने एंड मौके पे आके ब्रेक लगाई अपनी, ठीक है। पत्थर में नहीं, पत्थर पानी में नहीं गिरना चाहता वो। क्या सोचा पत्थर के। देखो हमारे अविनाश भाई पानी के किनारे मजे लेते हुए। भैया आपने तो बहुत स्पीड पकड़ी यार। नहीं नहीं नॉर्मल थे। आप हमसे कम से कम 15-20 मिनट आगे चल रहे हैं। 5 मिनट अभी हम भी जा रहे हैं अभी पानी के पास। अविनाश भाई क्या स्पेशल दिखा आपको इसमें? पानी तो बढ़िया ठंडा पानी है, मजा आ गया। ठंडा तो होगा यार, ये तो बर्फ का पानी है। ओ यार सच में चिल्ड वाटर, चिल्ड वाटर है। भाई ये थोड़ा सा जो पैच है ना वो क्या सेक्सी पैच है यार, मतलब रिस्की, बहुत बहुत रिस्की है। देखो क्या तेज़ पानी बह रहा है और इतना सा ही रास्ता है बस। अभी हमारा ना मोमेंटम बन गया है, अभी सांस वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अभी नॉर्मल है। अभी हम जितना मर्जी चल जाएँ, जितना मर्जी चढ़ाई चढ़ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो बस वो थोड़ी देर के लिए होता है, जब आपका मोमेंटम बन गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। हल्का हल्का सिर से पानी पीते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। हेलो हेलो। तो भाई लोग हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और हमें एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया ब्रिज देखने को मिला है। सो गाइस अभी हम हैं न्यू वाले ब्रिज पे, जो पुराना ब्रिज था वो है वो सामने, और वो है वहाँ मोनेस्ट्री का गेट। बहुत ही बढ़िया जगह है भाई, बहुत ही बढ़िया। यहाँ एक और बहुत बढ़िया जगह है ये देखने को, ये देखो वहाँ से पानी आ रहा है। ये नहाने की जगह बनाई हुई है एक, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे एक लकड़ी का छोटा सा पुल है, ये बड़ा सा पुल है, और हमने जाना है यहाँ से आगे। ये देखो ये एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की रास्ता है। झूले जी, झूले झूले झूले, हाँ पहुँचने वाले हैं बस। हाँ जी झूले झूले जी झूले। तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं जी फुक्तर मोनेस्ट्री। ये रहा फुक्तर मोनेस्ट्री का मेन गेट, वेलकम गेट। तो अभी अंदर चलते हैं। सो गाइस वो जो सामने आपको दिख रही है ना पहाड़ पे, वो है फुक्तर मोनेस्ट्री। और ये शायद कोई कैफे टाइप है, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत खाते पीते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। थोड़ा सा ट्रैक आगे भी है मेरे ख्याल से, लगभग 20 मिनट का ट्रैक होगा जितना देखने को लग रहा है। डिसाइड करते हैं कि किसने किसने जाना है, सब जाएंगे? मैं जाऊंगा। अविनाश भाई मना कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे। चलो हम जाके आते हैं, इतनी दूर आए हैं भाई, बस ये थोड़ा सा बचा है, यहाँ तक जाके आते हैं, ज़रूर जाएंगे। ये सामने आप देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री बनाई हुई है यहाँ पे, इतने ऊँचे पहाड़ पे। यार क्या स्ट्रक्चर है यार, देखो ध्यान से, ये आपको दिखाता हूँ मैं, क्या स्ट्रक्चर बनाया गया है। मतलब इतने ऊंचे पहाड़ों पे, अगर मैं आपको पहाड़ों की हाइट बताऊं तो ये देखो नीचे से लेके ऊपर तक क्या तगड़ी आर्किटेक्चर की गई है भाई। सो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं फुक्तल मोनेस्ट्री, और ये है जी फुक्तल मोनेस्ट्री का मेन गेट, एंट्री गेट। सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सांस फूल गया भाई। और यार छत देखो कैसी है यार, लकड़ियों वाली है। मंसूर भाई यार पानी सांस फूल गया, इसको देखो भाई, यंगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट। हमारे दिल्ली वाले भाई ये ऊपर जाके आ भी गए हैं। 5 मिनट पहले मोनेस्ट्री बंद हो गई है अभी। हैं? सारे मॉन्क्स इक्सानी विलेज में फेस्टिवल है, वहाँ गए हुए हैं। अच्छा वो सब खाना वाना खाने गए हैं, बाकी सब आपने देख लिया अंदर से मोनेस्ट्री? हाँ मेन वाला बंद था, मेन बंद था, छोटा सबसे ऊपर है, उसमें वो पूजा कर रहे थे। अच्छा मॉन्क थे वो भी ताला मार के, वो भी गए ताला मार के, हम गए बस 2 मिनट बैठे, आप बाहर आ जाओ ताला मारने। हाँ सो भाई बैड लक हमारा,
5 मिनट लेट हो गए हम, तो चलते हैं अभी जो है वही देख के आते हैं। ये है भाई ऊपर तक, ये है पूरा मोनेस्ट्री का स्ट्रक्चर। तो अभी हम चलते हैं जी इन सीढ़ियों से ऊपर, तो देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। मोनेस्ट्री तो बंद है, बाकी जो भी है वो देखते हैं। आए हैं तो पूरा एक्सप्लोर करके जाएंगे, ठीक है। हिम्मत नहीं हारने का, डोमिनेट नहीं होने का भाई। किस साइड जाने का? नहीं इस साइड तो नहीं, यहाँ जाएंगे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ये लेफ्ट वाली गली में, और यहाँ तो बहुत अंधेरा है भाई और बहुत ठंडी है। शूज़ वगैरह का कुछ है यहाँ? कुछ लिखा लुखा तो नहीं है, बट अपने को आइडिया भी नहीं है, तो वैसे चलते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है? डोनेशन फॉर द मोनेस्ट्री ऑफ इको फ्रेंडली एनवायरमेंटल फुक्तर। अब चले ऊपर, अब हम जा रहे हैं जी ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या है। और यहाँ दरवाजे देखो कितने छोटे छोटे हैं भाई। और यहाँ पे है जी फुक्तर मोनेस्ट्री ए ऑफिस, और यहाँ पे है कुछ छत। वाओ अमेजिंग भाई, अमेजिंग। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं इस जगह पे, ये है शायद मोनेस्ट्री, है आई थिंक मेन मोनेस्ट्री है ये ऊपर। तो यहाँ का व्यू आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया व्यू है, ये बहुत ही बढ़िया जगह है। तो अभी हम चलते हैं जी मोनेस्ट्री के अंदर, तो आओ चलते हैं। तो हम यहाँ तो पहुँच गए हैं, बट यहाँ एक्चुअली पता नहीं चल रहा है कि ये क्या चीज़ है, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं, और ये भी नहीं पता कि जूते पहन के जाने हैं कि नहीं। पर फिर भी हम जूते उतार देते हैं, यहाँ पर जूते उतार के चलते हैं आगे। आई थिंक ये है मेन मोनेस्ट्री का दरवाज़ा, यहाँ पे लगा है लॉक, और ये एक स्तूपा जैसा है। ये फॉसिल है भाई, गाइस ये फॉसिल्स रखे हैं देखो यहाँ पे, देखो ये भी फॉसिल है। सो गाइस ये एक और यहाँ पे जगह है, ये देखते हैं कि क्या है भाई, ये क्या चीज़ है। अच्छा ये भाई साहब ड्राई टॉयलेट है, ड्राई टॉयलेट बोले तो, जब सर्दियों में पानी वगैरह बिल्कुल जम जाता है ना तो इनको यूज़ करते हैं। मतलब ये जो आप नीचे देख रहे हैं सारा गंद यहाँ इकट्ठा होता है और फिर फ्लश नहीं होता, उसको एक केमिकल डाल के यहीं पे साड़ देते हैं। मतलब अभी तो नहीं उसको यूज़ कर रहे, बिल्कुल साफ़ है, कोई स्मेल नहीं आ रही, जब यूज़ करते हैं ना तो भाई यहाँ बैठा नहीं, मतलब बैठा तो क्या आसपास नहीं भटका जाता इसके। तो चलते हैं भाई यहाँ से। सो गाइस ये लेफ्ट वाली साइड तो हमने देख ली है, अब जा रहे हैं हम इस साइड सामने स्ट्रेट, यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। ये एक रूम है बट टेम्पररी लॉक किया हुआ है, तो लॉक चीज़ें नहीं खोलने का भाई। एक ये रास्ता जा रहा है ऊपर, ये रास्ता जा रहा है भाई छत को। वाह हम पहले थे वहाँ पे, अब हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ से व्यू देखो यार बहुत बढ़िया है। सांस फूल गया भाई, सांस फूल गया भाई, सांस, ऑक्सीजन की कमी तो है। सो गाइस ये पूरी की पूरी मोनेस्ट्री हमने देख ली है। एक्चुअली यहाँ पे जो मेन मोनेस्ट्री है वो बंद थी, उस पर ताला लगा हुआ था। अभी हम जा रहे हैं नीचे, जो ब्रिज के पास हमने एक देखा था ना नहाने की जगह वगैरह, वहाँ पे हम जाएंगे। अभी मैगी वगैरह अपना बनाएंगे, हम अपना सामान सारा साथ लेके आए हैं, तो अभी यहाँ से चलते हैं सीधा, आपको वहीं पर मिलते हैं। तो भाई लोग हम पहुँच गए हैं उसी पॉइंट पे, ये वाले ब्रिज पे, और हमारी पूरी गैंग वहाँ बैठी हुई है। देखो वो वहाँ पे मैगी वगैरह कुछ बना रहे हैं, हवा इतनी तेज़ चल रही है मुझे नहीं पता कि कैसे बना रहे होंगे। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं पहले।
हाँ जी भाई लोग, वाह जी वाह 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 वाह, मैगी बना रहे हैं भाई हमारे लिए हैं। और ये जगह ना बहुत ही बढ़िया है, देखो बाहर इतनी तेज हवा चल रही है, यहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं है। तो गाइस इतना पैदल चलने के बाद ना हमारे सबके पांव थके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं ये पानी में थोड़ा फ्रेश होने के लिए। ओहो बहुत ठंडा पानी है भाई, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। गाइस पानी इतना ठंडा है ना, पूरा बर्फ़ वाला पानी है। आप 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं इसमें पाँव रख सकते अपना, यार पाँव सुन पड़ना शुरू हो जा रहे हैं। ओए होए 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 हो, पेन हो गया भाई, बहुत ठंडा पानी है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। अंकी भाई आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। तो फाइनली भाई अंकी भाई भी आ गए हैं अपना थकान उतारने के लिए। भाई पानी है क्या ये? ये बर्फ़ वाला पानी है भाई, बर्फ़ वाला पानी। बैठो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, बैठो। सो गाइस हमारी मैगी भी रेडी हो गई है, ये देखो अंकी भाई, ये गलत बात है यार, ठंडी हो जाएगी सब बंदे। तो यहाँ आओ, हम ना पानी में बैठ के खाएंगे, आओ जल्दी आओ। तो भाई लोग हम ना पानी में खा रहे हैं मैगी, फुल ऑन फन चल रहा है यहाँ पे, फुल ऑन फन। क्या मैगी बनाई है यार बंसल साहब, क्या मैगी बनाई है आपने यार, मजेदार। वेल डन वेल डन। चलो तो ये देखिए हमारे वजर प्रिंस जी, तो जो लोग आप कैमरे में देखते हैं ये बिहाइंड द कैमरे वाला सीन है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है भाई, खाने की, बर्तन साफ करने की। तो हमारे प्रिंस भाई एक्सपर्ट हैं खाना बनाने में भी और बर्तन साफ करने में भी। देखो अगर आपके पास साबुन वगैरह नहीं है तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है ये रेत या मिट्टी या ऐश कुछ भी है, ये बेस्ट तरीका होता है बर्तन साफ करने का। और पानी तो हमारे पास है ही नेचुरल, पानी की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है भाई। A few moments later. भाजी की हाल ने किधर दा लग रहा है? भाजी किधर दा लग रहा है? भाजी नहीं भाई अभी कभी नहीं आना है। नहीं आना? मैं भी नहीं कभी भी आया थे। नहीं जांच करते को मनावांगे क्या व्यू है। So finally guys हम पहुंच गए हैं अपनी बाइक पार्किंग वाली जगह पे, हालत ना खस्ता टाइट जो आप बोलो वो हो गई है, बहुत तगड़ी मतलब जिसको बोलते हैं ट्रैकिंग थी, थका देने वाली। यहाँ पे ना ऑक्सीजन की एक्चुअली बहुत कमी थी, जितने भी हमने जाते टाइम डाउन वाले पार्ट उतरे थे डाउन हिल, आते टाइम भैया हवा टाइट होगी वहाँ से। तो अभी फटाफट से निकलते हैं पूर्णे, जहाँ हमने कैंपिंग साइट पे अपना सारा सामान रखा हुआ है, वहाँ पहुँच के हल्का फुल्का कुछ खाते हैं, उसके बाद सीधा पादुम निकलते हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए अपनी कैंपिंग साइट पे, वो खतरनाक ट्रैक के बाद शक्ल आप हमारी देख के जज कर ही सकते हैं कि क्या तगड़ी ट्रेनिंग हुई है, सनबर्न हुआ है और बहुत तगड़ा पसीना आया, थके हैं। तो अभी हमें एक हेल्दी डिश यहाँ खाने को दी गई है, आंटी को बोल के गए थे कोई ट्रेडिशनल डिश है यहाँ की वो हमें दी जाए, तो आंटी ने ये बनाया है, ये देखो ये है पावा कहते हैं इसको अपनी लैंग्वेज में, और इसको खाते हैं ये टमाटो सॉस और दही, दही भी हमने दिया शायद इसके साथ भी खाते हैं, अभी टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। तो ये हमारे भाई साहब जो दिल्ली से आए हैं, बढ़िया है, रियली गुड रियली गुड, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम खाने में। और विक्की भाई भी हमारे खा रहे हैं, डॉक्टर साहब कैसा है ये? बहुत बढ़िया, और चटनी के साथ तो और बढ़िया यार। चलो हम भी खाते हैं, हम भी टेस्ट करते हैं इसको, हम भी टेस्ट करते हैं भाई। जब मैं लुआया भी टेस्ट किया यार, मुंह खोलना है एनर्जी की, बहुत चना हम लोग वाले बढ़िया है, चना है इनसे पूरा रिकवर हो जाएंगे हम। तो फटाफट इसको खाते हैं, अपना सामान वगैरह पैक करते हैं और निकलते हैं सीधा पादुम के लिए। तो अभी जो रोड हमें मिलने वाला है वो गूगल मैप पे नहीं है भाई, ये देखो कितना कितना टायर घुस रहा है भाई, इसमें बाइक फंस गई। बाइक तो साला जोर ही नहीं भर रही है भाई, ये 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 ये